तो हमने लास्ट टाइम आपका हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड कंप्लीट कर लिया था, पेनक्रिया वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, और हमने ये बाइल वाला भी शुरू कर लिया था आपका। तो प्लीज अभी आपने आप गलत आंसर कर रहे थे दिव्यम, प्लीज अच्छे तरीके से देख लो यहाँ पे कि जो लीवर है, लीवर में क्या होता है, बाइल का फॉर्मेशन होता है, बाइल बनता है यहाँ पे, लेकिन वो स्टोर होने के लिए गॉल ब्लैडर में जाता है। ठीक है, समझ आया आपको। अब इसके बाद देखिए, हमारे पास ये जो लीवर है, लीवर से क्या रिलीज होता है, लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस। अब इस जूस के क्या क्या काम है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो हमारे पास ये देखिए जो बाइल जूस आ रहा है कहाँ पर ओपन होता है, आपका ड्यूडेनम में जाकर। और यहाँ पे जो पैनक्रियाटिक जूस है, ये दोनों ही एक इस कॉमन पॉइंट पर आकर मीट करते, इसको कहते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो यहाँ पे ड्यूडेनम ही क्या होता है, बाइल जूस की एंड पैनक्रियाटिक जूस की क्या होती है, सिक्रेशन होती है। तो लास्ट टाइम हमने आपका ये वाला पोर्शन स्टार्ट किया था कि हमारे पास जो आपका ये बाइल है जो कहाँ पे रिलीज होता है, ड्यूडेनम में रिलीज होता है, इसके पास क्या क्या होता है। ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सबसे पहला बाइल पिगमेंट रिलीज होते हैं, और कौन कौन से बाइल पिगमेंट है, हमारे पास बिली रूबिन है और उसके अलावा बिली वर्डिन है, ये बाइल पिगमेंट है। इसी पिगमेंट की वजह से जो हमारा फीकल मैटर है उसका कलर क्या होता है, येलो होता है। हमारा यूरिन का कलर भी येलो होता है ड्यू टू द बाइल पिगमेंट। इसके अलावा बाइल सॉल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है कि बाइल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, लेकिन बट नो एंजाइम्स, कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा बाइल किस में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन करना फैट का वेरी वेरी स्मॉल माइसेस में। उसके बाद क्या होता है, बाइल क्या करता है, किसको एक्टिवेट करता है, लाइपेज को एक्टिवेट करता है। अब आज हम यही वाला क्वेश्चन भी आपका डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने आपका पेनक्रिया वाला क्वेश्चन किया था, तो पेनक्रिया में देखिए हमने क्या बात की थी, आप दोबारा एक बार देखिए कि पेनक्रिया में जितने भी एंजाइम रिलीज होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, ये सारे कैसे एंजाइम होते हैं, ऑल आर इनएक्टिव एंजाइम। जब इनिशियली ये रिलीज हो रहे हैं ना हमारे पास, तो इनएक्टिव एंजाइम है। अब ये जितने भी एंजाइम हैं, इन सबको एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए होता है, इन सबको चाहिए होता है एल्केलाइन पीएच। और एल्केलाइन पीएच कौन प्रोवाइड करता है, एल्केलाइन पीएच प्रोवाइड करता है हमारे पास बाइल। तो ध्यान रखना, बाइल का मतलब पीएच क्या होता है, एल्केलाइन होता है। तो इन सबको एक्टिवेट करने के लिए हमें एल्केलाइन पीएच चाहिए, क्योंकि एल्केलाइन पीएच पर ही काम करते हैं। लेकिन अब तक हमारा फूड स्टमक में था, और स्टमक में कैसा पीएच था, वहां में पीएच था एसिडिक। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास कहाँ डाइजेस्ट होती है, एल्केलाइन पीएच में होती है। तो बाइल जूस क्या करता है, यहाँ पे जितने भी हमारे पास है, लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इन सबको क्या करता है, एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए, आगे आपकी जो लास्ट लाइन थी, तो यहाँ पे ये लिखी गई है, बाइल ऑल्सो एक्टिवेट द लाइपेज। तो लाइपेजेस को कैसे एक्टिवेट करता है, क्योंकि तो इसका पीएच क्या होता है, एल्केलाइन होता है। तो हमने लास्ट टाइम आपकी बात की थी कि बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड भी है, बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट है। और आप देख सकते हो कितना पीएच है, पीएच 8 है, तो 8 पीएच कितना होता है, एल्केलाइन ही होता है। अब बात करते हैं इस बाइल का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन भी वही है, सबसे पहला फंक्शन है डाइल्यूट द कंटेंट फ्रॉम द स्टमक। जो कंटेंट हमारा स्टमक से आ रहा है, स्टमक से कैसा कंटेंट आता है, एसिडिक आता है, तो उस एसिडिक कंटेंट को क्या करता है, डाइल्यूट करने का काम करता है। इसके अलावा क्या क्रिएट करता है, ऑप्टिमम पीएच फॉर पेंक्रियाटिक एंजाइम टू वर्क इन द ड्यूडेनम। तो अभी भी यही तो हमने बात की कि पेंक्रिया से जितने भी एंजाइम रिलीज होते हैं, उन सबको पीएच कैसा चाहिए होता है, एल्केलाइन चाहिए होता है। कहां पर, ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में वहां पर एल्केलाइन पीएच कौन प्रोवाइड करता है, बाइल ही प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास बाइल के पास क्या था, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट थे, अभी भी हमने बात की। तो हमारे पास ये जो बाइल सॉल्ट है, ये क्या करते हैं, फैट को इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। अब ध्यान रखना, कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इमल्सिफिकेशन बाइल पिगमेंट कर रहा था कि बाइल सॉल्ट कर रहा था। तो ध्यान रखना,
बाइल सॉल्ट इमल्सिफिकेशन करता है, बाइल पिगमेंट नहीं करता है। लेकिन इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना कि बाइल का कोई भी रोल नहीं है डाइजेशन में, नो रोल इन द डाइजेशन। अच्छे तरीके से काफी हाईलाइट तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि बाइल का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। ओनली रोल कहाँ पे होता है, इमल्सिफिकेशन करना, इमल्सिफिकेशन में ही रोल है। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है एक बार इसको देखिए। पहले आप देखो एक बार ये वाली फोटो देख लीजिए। मान ली कि हमने कोई ना कोई एक फैट खा लिया और फैट का हम देखिए इतना बड़ा ड्रॉपलेट है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फैट बना किससे होता है। हमने बात की थी पहले भी, एक्चुअली फैट होते क्या है, फैट आर लिपिड्स, लिपिड्स ही होते ना फैट। और लिपिड्स किससे बने होते हैं, लिपिड्स बने होते हैं हमारे पास फैटी एसिड के प्लस यहाँ पे ग्लिसरॉल होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो हमारे पास ये जो बाइल सॉल्ट है ये लिपिड का मतलब इस फैट का फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन नहीं करता है। फिर करता क्या है, ये देखिए फैट का इतना बड़ा ड्रॉपलेट है, इतने बड़े ड्रॉपलेट को यहाँ पे देखिए ये छोटे 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 से ड्रॉपलेट के अंदर तोड़ देता है। अब तोड़ने के बाद यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पर तोड़ने का आता है बाइल सॉल्ट। ये हमारे पास बाइल सॉल्ट है। अब देखिए बाइल सॉल्ट क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे मैं इसको आपका ऑरेंज कलर दे रही हूँ, ऑरेंज दे देते हैं, ठीक है एक मिनट। हमारे पास इनके बाइल सॉल्ट आया, थोड़ा सा विजिबल नहीं है ये देख लीजिए। और बाइल सॉल्ट क्या हुआ, हमारे पास ये जो फैट का जो ड्रॉपलेट था, छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट थे, इसके बाहर आकर देखो क्या हुआ, इसके सरफेस पे आकर अटैच हो गया। दिख रहा है आपको, ये हमारे पास एक बड़ा सा फैट का ड्रॉपलेट था, उसको हमने छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट में तोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास कौन है, बाइल सॉल्ट। और इसके आउटर सर्फेस पे क्या हुआ, ये यहाँ पे देखिए अटैच हो गया। क्यों अटैच हो गया, ताकि जितने भी फैट के मॉलिक्यूल टूटे हुए हैं ना, ये दोबारा आपके रिकम्बाइन ना हो जाए, क्योंकि ये फैट की प्रॉपर्टी है दोबारा इसी फॉर्म में आ सकती है। लेकिन इसी फॉर्म में ना आए, बाइल सॉल्ट इनके आउटर सर्फेस पे आके अटैच हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट। कौन से ड्रॉपलेट है, फैट के ड्रॉपलेट है। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा फैट का ड्रॉपलेट था, उसको छोटा छोटा ये देखिए छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, अब आपका टूट गया पूरा का पूरा। इसके बाद रोल किसका होता है, इसके बाद रोल आता है लाइपेज का। तो अभी चीज और, यहाँ पे बाइल ने क्या काम किया, बाइल के सॉल्ट ने यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, ताकि जो एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करे यहाँ पे उसको अच्छा खासा यहाँ पे एरिया मिल जाए। अब लाइपेज आता है, लाइपेज तो एक्टिवेट हो ही गया था क्योंकि उसको एल्केलाइन पीएच मिला था। अब ये लाइपेज क्या करता है, हमारे पास ये जो इमल्सिफाइड फैट के ड्रॉपलेट है उनके ऊपर एक्ट करता है, और एक्ट करने के बाद उसको किसमें तोड़ देता है, फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में। तो लाइपेज इस फैट का ब्रेकडाउन करवाता है, लेकिन बाइल सॉल्ट नहीं करवाता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, इसकी इमल्सिफिकेशन करता है, छोटे छोटे इसको ड्रॉपलेट की फॉर्म में तोड़ दिया। समझ रहे आपको, तो यही होती है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन अलग है, हमारे पास फैट का ड्रॉपलेट के अलग है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देखिए हमारे पास एक लार्ज फैट का ड्रॉपलेट था, सॉरी, इसके बाद इसको किसने तोड़ा, मस्कुलर एक्शन है, मतलब मसल्स के पेरिस्टेसिस मूवमेंट हुई, इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये क्या हुआ, ये ब्लैक ब्लैक कौन है, दीज आर दी बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट आए और यहाँ पे इसके आउटर सर्फेस पे देखिए आगे क्या हो गए, बाइंड हो गए। तो बाइल सॉल्ट प्रिवेंट करता है स्मॉल ड्रॉपलेट को फ्रॉम द कंबाइन, ताकि दोबारा कंबाइन ना हो जाए। इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन फैट। अब इस पर कौन एक्ट करेगा, अब इस पर एक्ट करता है लाइपेज, और लाइपेज इसको किसमें तोड़ देगा, फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में। तो अब जो हमारी बॉडी जो है इस फैटी एसिड को एंड ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यहाँ पे अभी की इमल्सिफिकेशन का बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट यही है कि सरफेस एरिया काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जहां पे लाइपेज का करता है एक्ट करता है, जहां पर लाइपेज को काम करना है। तो ये था हमारे पास बाइल के बारे में, जो हम आपका लास्ट क्लास में भी कर चुके थे, पर थोड़ा सा शायद क्लियर नहीं हुआ था अच्छे से। तो अब आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे पर्सन होते हैं उनका गॉल ब्लैडर हम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी डाइट में
फैट नहीं लेना है। सुना है आपने इसके बारे में, बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए उनको डाइट में फैट कम लेने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए फैट को स्टोर करने का काम कौन कर रहा था, बाइल कर रहा था, एंड जो बाइल को स्टोर करके रख रहा था उसको हमने रिमूव कर दिया, तो फैट हमारा इमल्सीफाई ही नहीं होगा, एंड जब वहां पे इमल्सिफिकेशन ही नहीं होगी तो वहां पे लाइपेज को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जिस पर्सन का गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है उसको अपनी डाइट में फैट बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्योंकि देखिए उसके बाद ऐसा नहीं कि बाइल आपका बन नहीं रहा है, बाइल बनाने का काम तो लीवर का ही था, लेकिन देखो स्टोरेज नहीं हो पा रही है, स्टोरेज की वजह से जब जितना क्वांटिटी में चाहिए होता तो उतनी क्वांटिटी में वहां पे जो उस फूड को मिल नहीं पाता है, फैट को मिल नहीं पाता, और वो वहां पर प्रॉपर ढंग से आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब उसके बाद अब हम कर चुके हैं आपका, हमने आपका पैनक्रिया भी खत्म कर लिया, बाइल जूस भी खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे आपके किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब ये स्लाइड भी अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पैनक्रिया की स्लाइड इंपॉर्टेंट थी। गॉल ब्लैडर क्यों रिमूव करते हैं, किसी किसी को एक्चुअली गौरी मतलब गॉल ब्लैडर में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो गॉल ब्लैडर या उसका साइज बड़ा हो जाए, जैसे कई बार हमारा लीवर भी इन्फेक्टेड हो जाता है, गॉल ब्लैडर में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से गॉल ब्लैडर को हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि जो गॉल ब्लैडर है वो हमारी बॉडी का असेंशियल ऑर्गन नहीं है। असेंशियल ऑर्गन का मतलब ये है कि मान लेते गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया तो ऐसा नहीं कि उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे तो मान लो अगर हम अपनी बॉडी से किडनी रिमूव कर दे, हार्ट रिमूव कर दे, लीवर रिमूव कर दे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उस तरीके से गॉल ब्लैडर का ऐसा कुछ नहीं है। गॉल ब्लैडर अगर रिमूव भी हो जाता है तब भी हम इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कमलप्रीत, जो आप कह रहे हो ना कि स्टोन, हाँ और कई बार हम अपना स्टोन भी, स्टोन की फॉर्मेशन भी हो जाती है गॉल ब्लैडर में, आपने सुना होगा जब गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है फैट का डाइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है, अच्छा उसके से पेन भी होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है, इसीलिए जब ज्यादा सीवियर हो जाता है तभी हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। अब हम देखिए हमें बात करते हैं इंटेस्टाइन की। अब जो हमारा अब लास्ट पोर्शन रह गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एंजाइम रिलीज होते हैं उनका फंक्शन क्या क्या है और कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इंटेस्टाइन है उसकी जो म्यूकोसल एपिथेलियम लेयर है उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके पास प्रेजेंट होते हैं गो ब्लड सेल्स, एंड गो ब्लड सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। ऐसे ये फंक्शन तो सबका कॉमन ही है कि जहां जहां गो ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या सिक्रेट करेंगे, म्यूकस सिक्रेट करेंगे। लेकिन ये लेकिन हमारे पास ये जो गो ब्लड सेल्स है कहाँ प्रेजेंट है, म्यूकोसल एपिथेलियम में प्रेजेंट है। अब हमारे पास वहां पे क्या होता है, जो हमारे पास ये जो म्यूकोसा मतलब जो गो ब्लड सेल्स होते हैं जो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, इनके इनके पास क्या होते हैं, ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसके साथ अब यहाँ पे ध्यान रखना हमारे पास यहाँ पे हमने क्या कहा, हमारे पास एक तो गो ब्लड सेल्स है जो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ उनको सिक्रीशन करते हैं, और उस सिक्रीशन को हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, और साथ में उसी ही उसे हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। जैसे हमारे पास पेनक्रिया से जो रिलीज हो रहा था उसको हमने कहा था पेनक्रियाटिक जूस, जो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा था उसको हमने कहा था गैस्ट्रिक जूस, अब हमारे पास जो इंटेस्टाइन से जो सिक्रेशन होती है ना उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, बट एक नाम और दे देते हैं, नाम है सक्कस एंटेरिकस। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सक्कस एंटेरिकस किसका सिक्रेशन होता है, किसकी सिक्रेशन होती है, पेनक्रिया की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, लिवर की, किसकी हो रही है, तो सक्कस एंटेरिकस किसकी सिक्रेशन होती है,
स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशन होती है। और इसके अलावा इस इंटेस्टाइन में जो उसकी म्यूकोसा लेयर है वहां पे गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं म्यूकस सिक्रेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा था, सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा। म्यूकोसा के जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, बड़े बड़े और इस तरीके से होते हैं, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर सेल्स क्या कर रहे हैं वहां पे, सरफेस से इंक्रीज कर रहे हैं अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ द गोबलेट सेल्स। क्या चीज कॉन्स्टिट्यूट करती है, इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस। दिस जूस कंटेन वैरायटी ऑफ एंजाइम। अब जैसे आपने पैनक्रिया वाले एंजाइम याद किए थे, सेम एंजाइम अब आपको यहाँ पर भी याद करने हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से एंजाइम जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करता है। सबसे पहले एंजाइम का नाम है डाइसैकेराइडेज। एग्जाम्पल है माल्टेज। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो लैक्टेज का। इसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल है डाइपेप्टाइडेज। तो एजेस एजेस लगाना है पॉइंट में, डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेस और फोर्थ में आता है न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो इसमें से हमारे पास ओनली सिंगल ही एंजाइम ऐसा है लाइपेजेस जो क्या कर रहा था, जो हमारी पैनक्रिया भी रिलीज कर रही थी और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी रिलीज कर रहा है। इसके अलावा ये देखिए हमारे पास डाइसैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइडेज हो गया, डाइपेप्टाइडेज हो गया, न्यूक्लियोसाइडेज हो गया, ये ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन ही क्या करती है, रिलीज करती है। अब इन सब का काम क्या है उसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको भी अगेन मैं एक दूसरी कॉपी उस पर लेकर जाती हूँ, एक व्हाइट पेपर में, आप प्लीज साथ साथ इसको नोट कर लेना, क्योंकि एंजाइम वाला पोर्शन क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने क्या बात की, हमारे पास पहली चीज थी इंटेस्टाइन से जो जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी जो म्यूकोसा लेयर है क्या सिक्रेट करती है, वो सिक्रेट करती है इंटेस्टाइन जूसेस। जूसेस में क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं आप मुझे खुद ही बताओ, सबसे पहला एंजाइम कौन सा है बताइए, यहां पे नोट कर लेती हूं उसके बाद। यहां पे सबसे पहला एंजाइम है डाया सैकेराइडेज। सेकंड कौन सा है, सेकंड हमारे पास है न्यूक्लियोसाइडेज। थर्ड है लाइपेजेस एंड फोर्थ है कौन सा रह गया, डाइपेप्टाइडेज। अब इनका फंक्शन करते हैं वन बाय वन, ठीक है। हमारे पास ये जो सबसे पहला एंजाइम है जिसका नाम है डाइसैकेराइडेज, ये किसके ऊपर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है हमारा डायसैकेराइड के ऊपर। अब डायसैकेराइड कौन से होते हैं जिसके अंदर टू शुगर प्रेजेंट होती है, जैसे डायसैकेराइड का एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है माल्टोज का और सेकंड एग्जांपल हमारे पास है आपका लैक्टोज का और थर्ड एग्जांपल हमारे पास है सुक्रोज का। आप प्लीज साथ साथ नोट करते जाइए जिसकी वजह से आपको लर्न हो जाए अच्छे तरीके से। तो हमारे पास माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर डायसैकेराइड। अब हमारे पास ये जो डायसैकेराइडेज है, मतलब ये आपका इन डायसैकेराइड के ऊपर एक्ट करता है। अब हमारे पास ये जो क्या है, जो हमारे पास आपका माल्टोज है, माल्टोज के ऊपर एक्ट करता है माल्टेज, माल्टेज या माल्टेजेस कह लो आप। तो माल्टेज क्या है, माल्टेज इज अ डायसैकेराइडेजेस, इसी का ही एक पार्ट है। जब माल्टोज के ऊपर माल्टेज एक्ट करता है तो
तो ये इसको किस किस में तोड़ देता है? ये इसका ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज में प्लस ग्लूकोज में। आपको प्लीज इसके बारे में पता होना चाहिए, पहले हम इसके बारे में कर चुके हैं कि हमारे पास माल्टोज एक डायसैकेराइड है। अब मान लो कि ये आपका दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं आपस में इस तरीके से, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है? यहाँ पे बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और कौन सा बॉन्ड है? ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो माल्टेज आता है, इस माल्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में। अब प्लीज यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश कीजिए, ये हमें माल्टोज मिला किससे था? जब हमने स्टार्च खाया था अपनी डाइट में, तो कुछ स्टार्च तो हमारा स्लाइवरी माइलेज से किसमें कन्वर्ट हो गया था? माल्टोज में चेंज हो गया था। अब ये देखिए जो माल्टोज है, ये भी आपका टू वाली फॉर्म है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जिसको हम सबसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लैक्टोज, लैक्टोज भी एक डायसैकेराइड है, इसके ऊपर कौन एक्ट करता है? इसके ऊपर एक्ट करता है लैक्टेज, और जब यहाँ पे लैक्टेज एक्ट करता है किसके अंदर चेंज कर देता है? ये चेंज करता है आपका किस किस से बनता है आपका लैक्टोज? ये बनता है आपका ग्लूकोज से प्लस आपका गैलेक्टोज से। तो प्लीज आपको ये शुगर पता होनी चाहिए, ये सारी शुगर हमारे पास मोनोसैकेराइड है जिसके अंदर ये चेंज हो रहा है। इसके अलावा लास्ट हमारे पास आता है सुक्रोज। सुक्रोज के ऊपर एक्ट करता है सुक्रेज, और सुक्रोज के ऊपर जब सुक्रेज एक्ट करता है तो किसने तोड़ देता है? ये तोड़ता है हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये आपका इस साल का नीट का क्वेश्चन था कि जो हमारे पास ये सुक्रोज है वो आपका किस किस से बना होता है? तो ये हमारे पास बना होता है एक्चुअली अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा फ्रुक्टोज होता है, इसकी भी फॉर्म होती है। पर चलो अभी आप अल्फा बीटा में मतलब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नए बच्चों को यहाँ पे कुछ हो सकता है उनको समझ में ना आए, लेकिन जिस जिसको पता है अल्फा बीटा फॉर्म क्या होती है आप नोट कर सकते हो कि अल्फा ग्लूकोज होता है और बीटा फ्रुक्टोज होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा? अब देखिए ये सारे किसमें चेंज हो गए? ये सारे चेंज हमारे पास हो गए हैं मोनोसैकेराइड के अंदर। तो फाइनली ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हमने अभी तक हमने ओनली आपका डायसैकेराइडेसिस ही किया है जो डायसैकेराइड के ऊपर एक्ट करता है। उसके बाद सेकेंड आता है न्यूक्लियोसाइडेसिस। अब न्यूक्लियोसाइडेसिस देखिए क्या होता है, इसको भी प्लीज समझने की कोशिश करना, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने किया हुआ है उनको तो समझ में आ जाएगा। अगर आप सबने नोट कर लिया तो मैं यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट कर दूं। बताइए आपने नोट कर लिया है सबने? ओके, इसके बाद अगर आपने नोट कर लिया है तो देखिए सेकेंड एंजाइम कौन सा था? सेकेंड एंजाइम हमारे पास था आपका डाइपेप्टाइडेसिस। न्यूक्लियोसाइडेसिस भी था, चलो पहले अब यही वाला करवा देती हूँ। फिर सेकंड था डाइपेप्टाइडेसिस। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि डाइपेप्टाइडेसिस किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? एक्ट कर रहा है प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। बट प्रोटीन कैसी है? अब ये ज्यादा हमारे पास देखिए पॉलीपेप्टाइड की चेन नहीं है, इतनी बड़ी चेन नहीं है, जैसे मतलब यहाँ पे बहुत सारी चेन है, मतलब बीच में क्या अमाइनो एसिड्स तो बीच में है, पेप्टाइड बॉन्ड, मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। हमारे पास एक ऐसी चेन है जहां पे ओनली सिंगल ही पेप्टाइड बॉन्ड बचा है। मान लेते हैं ये एक अमाइनो एसिड है A1 और एक अमाइनो एसिड है A2। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को बोलते हैं डाइपेप्टाइड।
तो इस डाइपेप्टाइड के ऊपर कौन एक्ट करता है? इसके ऊपर एक्ट करता है डाइपेप्टाइडेसिस, और बाद में इसको किसके अंदर तोड़ देता है? अमाइनो एसिड के अंदर। तो हमें यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड मिल जाते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है प्रोटीन का, क्योंकि अमाइनो एसिड ही मिलकर क्या क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद हमारे पास था आपका न्यूक्लियोसाइडेसिस, और न्यूक्लियोसाइडेसिस के बाद कौन था? पहले जो न्यूक्लियोसाइडेसिस कर लेते हैं, थर्ड हमारे पास कौन सा है? थर्ड है न्यूक्लियोसाइडेसिस। अब प्लीज इसको समझने की कोशिश करना, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए हो गया या फिर आरएनए हो गया, आप सबको पता है ये कहां होते हैं? ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए और डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए क्या है? ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा भी बताने की कोशिश करूं ना, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे मैंने कहा दो टाइप का है, एक है डीएनए, सेकंड है आरएनए। डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों ही आपके किससे बने होते हैं? बोथ आर मेड अप ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। किससे बने होते हैं दोनों? पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन से। तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। मतलब डीएनए और आरएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं, मैनी है, वो सिंगल नहीं है, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। अब यहां पर हम एक न्यूक्लियोटाइड को समझने की कोशिश करते हैं कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उसके बाद ही आपको उसका फंक्शन समझ में आएगा। जो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड होता है, जो डीएनए को बनाता है, एक्चुअल में ये आपका 3 चीजों से मिलकर बना होता है। और वो 3 चीजें क्या होती है? सबसे पहला हमारे पास होता है नाइट्रोजीनस बेस, उसके बाद सेकंड हमारे पास होती है शुगर, और शुगर होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब क्या है? 5 कार्बन वाली शुगर। एंड थर्ड हमारे पास होता है आपके पास फॉस्फेट ग्रुप। जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, प्लीज आपको घबराना नहीं है, जब आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर करोगे फिर आप इसको काफी डिटेल में करोगे। अभी जस्ट ओनली थोड़ा सा एंजाइम को समझने के लिए आपको ये थोड़ा सा पोर्शन समझना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों किससे बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से बनता है। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। आप एक बार में यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मैं डायग्राम बना देती हूँ, उसके बाद आप इसको समझ लेना, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, सबसे पहले इधर जो यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे शुगर है और ये 5 कार्बन वाली शुगर है, इसीलिए इसको बोल दिया पेंटोज शुगर। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन नंबर 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, और एक कार्बन यहाँ पे 5 इधर बाहर की तरफ होता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये फर्स्ट नंबर कार्बन है ना, इस फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ यहाँ पे हमारे पास कौन प्रेजेंट होता है? यहां पर अटैच होता है हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है। ये शुगर देखिए, ये शुगर अलग है और ये नाइट्रोजिनस बेस अलग है।
जो मैंने यहाँ पे लिखा था। ये नाइट्रोजन बेस कुछ भी हो सकता है, जैसे एडेनाइन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, यूरेसिन हो सकता है, और हमारे पास जी ग्वानिन हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है, बस जिसको नहीं पता ना इनके बारे में वो भूल जाओ, अभी उसको इसके बारे में कुछ नहीं करना। बस आप इतना समझ लो, नाइट्रोजनस बेस होता है, इधर शुगर के साथ इसके फर्स्ट नंबर कार्बन पे अटैच होता है, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड का नाम है, यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होता है, बट उस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमारे पास एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में। जब हमारे पास दो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, वहां पर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, लेकिन वहां पर होता है ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और यहां पर होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब एन क्या है, ओ क्या है, जब आप इनका केमिकल स्ट्रक्चर करोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए, जब नाइट्रोजनस बेस इस पेंटोज शुगर के साथ कंबाइन हो गया है, उस टाइम हम इसको एक नाम देते हैं, और इसका नाम उस टाइम पे क्या पड़ जाता है, इसका नाम उस टाइम पे होता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड है, अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं, देखो अभी हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, मतलब हमारे पास ये नाइट्रोजनस बेस और ये शुगर मिलकर क्या बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब हमारे पास ये जो शुगर का जो फिफ्थ नंबर कार्बन था, यहां पर एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं CH2। अब इस फिफ्थ नंबर कार्बन के साथ ही हमारे पास यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी होती है, पर चलो सिंपल मैं इस तरह से दिखा देती हूँ आपको। हमारे पास ये जो फिफ्थ नंबर कार्बन है यहाँ पे कौन प्रेजेंट, सॉरी इसको मैं ना एक मिनट, सॉरी जो बच्चे नए उनको इससे थोड़ी समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ। जो हमारा फिफ्थ नंबर कार्बन है यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट। अब जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ यहाँ पे फिफ्थ नंबर कार्बन पर फॉस्फेट ऐड हो गया है ना, तब हम जाकर इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये अब कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। अब यहां पर भी बॉन्ड होता है, कहां पर, हमारे पास ये जो पेंटोज शुगर का फिफ्थ नंबर कार्बन है और जो फॉस्फेट है, यहां पर भी एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड में देखिए क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेस आपका जब शुगर के साथ कंबाइन होता है विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। जब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट एड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली क्या बात, हमने क्या कहा डीएनए और आरएनए किससे बनता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन से बनता है, मतलब इस तरीके के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बनाऊ उसको ओनली रफ बना लेते हैं, ओनली यहाँ पे एन लिख लू, मान लेते हैं मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला सेकेंड है, ये वाला थर्ड है, ये वाला फोर्थ है। इस तरीके से क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। अब इनके बीच में क्या बना हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है, बहुत सारे बॉन्ड की हेल्प से ये क्या है, जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो बॉन्ड होता है ना न्यूक्लियोटाइड के बीच में, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो ध्यान रखना विद इन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के बीच में ही फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, लेकिन दो न्यूक्लियोटाइड को जो ज्वाइन कर रहा है उसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए,
जो पेनक्रिया थी, पेनक्रिया से एक एंजाइम रिलीज हो रहा था, क्या नाम था उसका, न्यूक्लिक एसिड से कुछ रिलेटेड था। जल्दी से मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी गुड गौरी, क्या नाम था उसका, नाम था न्यूक्लियेजेस। क्या नाम था एंजाइम का, न्यूक्लियेजेस नाम था। तो एक्चुअली ये जो न्यूक्लियेजेस होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे अभी हमने कहा डीएनए और आरएनए आपका किससे बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से बनता है। देखिए ये पूरी चेन है, अब इन चेन को जोड़ने वाला कौन है, चेन को जोड़ने वाला है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें चाहिए होता है न्यूक्लियेजेस। तो ये किसने काम किया था, ये काम किया था पेनक्रिया से जो सिक्रीशन हुई थी न्यूक्लियेजेस ने। लेकिन अब देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए किस किस का बना होता है, आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड जो है हमारा वो किससे बना होता है, न्यूक्लियोसाइड से प्लस फॉस्फेट से। एक ही बात होगी ना, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोसाइड भी है यहाँ पे और हमारे पास फॉस्फेट भी है। न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास शुगर है, शुगर आ गया, प्लस क्या आ गया, नाइट्रोजनस बेस आ गया। अब जिस एंजाइम की अभी हमने बात की कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम रिलीज होता है, उसका नाम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से दोनों एंजाइम रिलीज होते हैं हमारे पास, एक होता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस, एक एंजाइम का नाम होता है, अगर सॉरी यहां पे जगह नहीं बची है पर चलो अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ पे ताकि यहीं पे सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। जैसे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से एक एंजाइम रिलीज होता है न्यूक्लियोटाइडेसिस, मतलब न्यूक्लियोटाइड को तोड़ना। जब न्यूक्लियोटाइड को तोड़ा जाता है ना तो हमें क्या क्या मिलता है, अब न्यूक्लियोटाइडेसिस किसके ऊपर एक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, और टाइड किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट का। तो न्यूक्लियोटाइडेसिस जब न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक्ट करते हैं तो किस किस में तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं न्यूक्लियोसाइड में प्लस फॉस्फेट में, जो आप इधर देख पा रहे हो इस यहाँ पे कट लगाएंगे, तो यहाँ पे कट लगाएंगे मतलब कौन सा बॉन्ड तोड़ दिया, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से ये देखिए न्यूक्लियोसाइड अलग हो गया और फॉस्फेट अलग हो गया। अब हमारे पास ये देखिए ये जो न्यूक्लियोसाइड है अभी भी इसके बाद दो दो चीजें हैं, एक हमारे पास शुगर है और सेकेंड इसके पास क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। अब इस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर एक्ट करता है न्यूक्लियोसाइडेसिस, कौन एक्ट करेगा, अब यहां पे एक्ट करेगा न्यूक्लियोसाइडेसिस, जो क्या काम करेगा, न्यूक्लियोसाइड को किस किस में तोड़ेगा, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस में। तो शुगर आ गई प्लस नाइट्रोजनस बेस आ गया। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई हो, जो बच्चे नए हैं बताइए कुछ कुछ समझ में आया, कैसे कैसे हो रहा है। अमन जो, दिव्यम, कमलप्रीत, ठीक है अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहां पे देखिए क्या क्या लिखा गया था हमारे पास, लाइपेसिस रह गया। चलो लाइपेसिस का फंक्शन तो आपको पता ही है, क्या होता है, जो लिपिड को पैक करता है उसको फैटी एसिड एंड आपका ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन करता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए सबसे पहला था डायसैकेराइडेसिस, जिसका एग्जांपल है माल्टेज, जो माल्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के अंदर तोड़ता है, डायपेप्टाइडेसिस जो अमाइनो एसिड के अंदर तोड़ता है, लाइपेसिस जो लिपिड का ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड में प्लस आपका ग्लिसरॉल में, एंड न्यूक्लियोसाइडेसिस जो न्यूक्लियोसाइड को किस किस में तोड़ता है, नाइट्रोजनस बेस में
प्लस आपका शुगर में। अब ये सारी लिस्ट आपको कहां पर हेल्प करेगी, ठीक है, वो आपको मैं बताती हूँ। एनसीईआरटी में हमारे पास ये देखिए, ये बहुत बड़ी लिस्ट दी गई है, तो ये आपको तभी पता होगा जब आपको इनके बारे में पता होगा कि ये किस किस से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से इस लिस्ट को देखो तो इन पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पे ये जो प्रोटीन है, पेप्टोन है, प्रोटियोजेस है, कौन कौन एक्ट करते हैं यहाँ पे। ट्रिप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन के ऊपर, काइमो ट्रिप्सिन भी करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी करता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। और जब एक्ट करेगा किसमें तोड़ेगा, डाई पेप्टाइड में तोड़ेगा। उसके बाद देखिए, अगर जो हमारे काइम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था, कौन है, स्टार्च है, स्टार्च के ऊपर कौन एक्ट करता है, अमाइलेज एक्ट करता है। अमाइलेज इसका ब्रेकडाउन किसमें करवाएगा, डाइसैकेराइड में। और डाइसैकेराइड का नाम क्या है, डाइसैकेराइड का नाम है माल्टोज। बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास थ्योरी भी साथ साथ में आप कर ही लो, प्रोटीन, प्रोटियोजेस एंड हमारे पास क्या है, पेप्टोन्स। पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है, मतलब अभी कुछ अमाउंट में टूटी हुई प्रोटीन है। काइम, काइम का मतलब क्या है, स्टार्च के अंदर, मतलब सॉरी, जो हमारा फूड स्टमक में था, स्टमक में जब उसको कौन मिल जाता है, गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं काइम, बोलते हैं ना। तो काइम कहाँ पहुंचता है, इंटेस्टाइन में। उसको कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, उसको ये तीनों एंजाइम मिलते हैं पेनक्रिया से, कौन कौन से, ट्रिप्सिन मिलता है, काइमोट्रिप्सिन मिलता है, और साथ में मिलता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, एक मिनट वेट। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि हमारे पास ये देखिए जो यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीजेस है, पेप्टोन है, कहाँ चले गए, हमारे पास कहाँ पहुंच जाते, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जब गए तो किसकी सिक्रीशन मिली, पेनक्रिया की। तो पेनक्रिया की सिक्रीशन क्या काम करती है, प्रोटीन को, पेप्टोन को, प्रोटीजेस को क्या करती है, तोड़ने का काम करती है। और पेनक्रिया की ये तीनों सिक्रीशन होती है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। और जब ब्रेक डाउन करती है हमें क्या मिलता है, डायपेप्टाइड, मतलब ओनली प्रोटीन के बस इतना सा पोर्शन रह गया, या आप ये मान लो इतना सा रह गया। अब हमारे पास देखिए वो जो काइम है, काइम के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, क्योंकि आप प्लीज रिलेट करने की कोशिश कीजिए साथ साथ में। हमने एक लाइन पढ़ी थी आपका कि जो हमारा माउथ होता है 30% स्टार्च वहां पे हाइड्रोलाइज हो जाता है। मतलब मान लेते कि हमने आपका 100% स्टार्च खाया था, तो 100% में से 30% ही हमारा माउथ के अंदर ब्रेक डाउन होता है। अब सोचो स्टमक में तो हुआ ही नहीं कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन, तो अब कहां पे होगा, वो होगा हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन के अंदर कौन करवाएगा, अमाइलेज। बट कौन सा अमाइलेज है, ये हमारे पास है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द पेनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू द डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड का नाम है माल्टोज। अब उसके बाद देखिए फैट, फैट का ब्रेकडाउन कौन करता है, लाइपेजेस करते हैं। अब लाइपेजेस इसको किसमें तोड़ते हैं, फैटी एसिड में एंड यहाँ पे ग्लिसरॉल में। अब अगेन यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, अब बताने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। एक्चुअली इसके लिए हमें ना पहले बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर करना चाहिए था, उसमें ये सारे बेसिक्स वहीं पे क्लियर होते हैं। जैसे जो भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये जो फैट है, फैट का जब ब्रेकडाउन होता है हमें मिलता है फैटी एसिड प्लस हमें मिलता है ग्लिसरॉल। लेकिन ये हमारे पास ये जो फैटी एसिड होता है ना, ये अगेन आपका थ्री टाइप का होता है। एक हमारे पास फैटी एसिड होता है मोनोग्लिसराइड, सॉरी एक मिनट, हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो हमारे पास ये क्या है, फैट है, या आपका फैटी एसिड एंड आपका ग्लिसरॉल का बना होता है। अब कई बार क्या होता है, ये हमारे पास जो फैटी एसिड है और जो आपका ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल के साथ कई बार ओनली, मैं चलो नया ही पेज क्रिएट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर ना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। एक मिनट वेट। जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि हमारे पास फैट किससे बनता है,
फैट बनता है फैटी एसिड से प्लस ग्लिसरॉल से। अब हमारे पास कई बार क्या होता है, कई बार क्या कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड आपकी कंबाइन होती है, जैसे आपने कहा लिपिड्स के अंदर यही है। अब कई बार हमारे पास वन ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल वन फैटी एसिड से ही कंबाइन होता है, तो उसको हम बोल देते हैं मोनोग्लिसराइड, क्योंकि वन ही फैटी एसिड था। कई बार क्या होता है वन ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल आपका टू फैटी एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है, तो उस केस में हम इसे बोलते हैं डाइग्लिसराइड। और थर्ड केस होता है कि हमारे पास वन ग्लिसरॉल होता है और हमारे पास थ्री फैटी एसिड होता है, तो ये हमारे पास बना देता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो वहां पर यही चीज मेंशन की गई है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे वहां पे एंजाइम का एक्शन, तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया है हमारे पास कि हमारे पास जो फैट है इसके ऊपर जब लाइपेज एक्ट करता है, पहले इसको डाइग्लिसराइड के अंदर तोड़ेगा, फिर बाद में इसको मोनोग्लिसराइड के अंदर तोड़ेगा। इसके बाद यहां पे देखिए न्यूक्लियसेस कहां से रिलीज हुए थे, पैनक्रियाटिक जूस में थे ये। किसके ऊपर एक्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, और क्या फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं या फिर न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करते हैं। तो यहां पे देखिए न्यूक्लिक एसिड के ऊपर न्यूक्लियसेस एक्ट करता है, उसको न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करता है, और न्यूक्लियोटाइड फिर बाद में न्यूक्लियोसाइड के अंदर चेंज हो जाता है। आई होप मैं कोशिश करूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हो। उसके बाद आप देखिए हमारे पास ये सारे एंजाइम कहां से रिलीज हो रहे हैं, ये सारे एंजाइम रिलीज हो रहे हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये देखिए अभी हमने इन्हीं के बारे में बात की है, डायपेप्टाइडेसिस। ये देखिए टूटा टूटा और उसके क्या मिला, अमाइनो एसिड। अब ये माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज ये सारे क्या है, ये सारे क्या है बताइए, अभी भी हमने डिस्कस किया है माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज क्या है, ये सारे दीज आर डायसैक्राइडेसिस, माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज ये सारे डायसैक्राइड है। माल्टोज के ऊपर जब माल्टेज एक्ट करता है उसको ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के अंदर तोड़ता है, लैक्टोज के ऊपर जब लैक्टेज एक्ट करता है उसको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है, सुक्रोज के ऊपर जब सुक्रेज एक्ट करता है तो उसको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर तोड़ता है। तो अभी हमने इसी के बारे में तो बात की, ये सारे कहां से रिलीज हो रहे हैं, ये सारे रिलीज हो रहे हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से। उसके बाद देखिए न्यूक्लियोटाइड को कौन तोड़ेगा, यही भी मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइडेसिस, तो न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट करने वाला न्यूक्लियोटाइडेसिस किसमें तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड में। फिर न्यूक्लियोसाइड के ऊपर एक्ट कौन करेगा, न्यूक्लियोसाइडेसिस, तो न्यूक्लियोसाइडेसिस उसको किसमें तोड़ेगा, शुगर में प्लस यहां पे लिखा है बेस, ये कौन सा बेस है, दिस आर दी नाइट्रोजिनस बेस। और बाद में यहां पे देखिए जो हमारा डायग्लिसराइड है आपका मोनोग्लिसराइड है, बाद में इसके ऊपर दोबारा एक्ट करेगा लाइपेसिस जिसको तोड़ेगा फैटी एसिड में एंड आपका ग्लिसरॉल के अंदर। समझ आ रहा है आपको चीजें की नहीं आ रही है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, द एंजाइम इन द सक्कस एंटेरिकस, मतलब इंटेस्टाइन से जो रिलीज होने वाले एंजाइम है कहां पे एक्ट करते हैं, जो एंड प्रोडक्ट होता है अबाउ रिएक्शन का, जो अभी आपने पीछे देखी, तो जब ये एक्ट करते हैं उसको सबसे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दीज आर द फाइनल स्टेप इन डाइजेशन, वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियम सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, क्योंकि हमारे पास ये जो म्यूकोसल एपिथेलियम सेल्स होते हैं इसी को क्या बोलते हैं, इसी को विलाय बोलते हैं, और इन सी या फूड का क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होना है। तो ब्रेकडाउन हो गया बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का, मेंशन अबव अकर इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पोर्शन में। द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म अब्सॉर्ब्ड, अब देखिए ब्रेकडाउन हुआ है ड्यूडेनम में लेकिन एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में, सॉरी एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम में और आपका इलियम रीजन,
द अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? हमारा ये वाला पोर्शन आपका अब कंप्लीट हो गया है, एंजाइम वाला, बट इन पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन किस किस के ऊपर एक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक वो भी है, अगर आप इसको देखना चाहो, ये पूरा आपका पूरा चार्ट है कि माउथ से लेके इंटेस्टाइन तक वहां पे कौन कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि मिस्टेक कहाँ पर है। स्लाइवरी माइलेज देखिए कहाँ प्रेजेंट होता है, स्लाइवा के अंदर होता है। रिलीज कौन करता है, स्लाइवरी ग्लैंड। माउथ में सिक्रीशन होती है। स्टार्च का ब्रेकडाउन किसमें करवाता है, माल्टोज में। पीएच कितना होता है, 6.8। उसके बाद देखिए हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में करता है, पेप्सिन रिलीज करता है, रेनिन रिलीज करता है, इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रीट करता है। तो पेप्सिन किसके ऊपर एक्ट करता है, प्रोटीन के ऊपर, ब्रेकडाउन करता है प्रोटीजेस और आपका पेप्टाइड के अंदर। प्रोरेनिन जो होता है आपका, ये भी आपका एससीएल की हेल्प से ही क्या होता है, एक्टिवेट होता है। फैट किसके ऊपर एक्ट करते हैं, ये तो आपको पता ही है, ट्राई और आपका डाई के ऊपर, मतलब इसको फैट के ऊपर एक्ट करता है लाइपेज और बाद में इसको ट्राई और आपका डाई के अंदर चेंज कर देता है। फिर हमारे पास ही देखिए पैनक्रिया कौन कौन सी एंजाइम रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज मतलब स्लाइवरी माइलेज, जो अगेन स्टार्च को प्रेक्ट करेगा उसको किस में तोड़ देगा, डाइसैकेराइड में। अब देखिए ऊपर लिख दिया माल्टोज और यहाँ पे लिख दिया डाइसैकेराइड, पर मीनिंग तो दोनों का सेम ही है ना, माल्टोज एक डाइसैकेराइड ही है, तो यहाँ पे माल्टोज लिखो चाहे जो मर्जी लिखो। तो इसका देखिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड, तीनों किसके ऊपर एक्ट करते हैं, प्रोटीन के ऊपर ही एक्ट करते हैं ये देखिए। और बाद में हमारे पास ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है ये फैट के ऊपर एक्ट करता है, ट्राई और आपका डाइग्लिसराइड के अंदर इसको चेंज कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। अब देखो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, जैसे मैंने आपको कहा डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए के ऊपर एक्ट करने वाला डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस किसने तोड़ देगा उसको, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के अंदर, एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड ही है। आरएनए के ऊपर कौन एक्ट करता है, आरएनए एक्ट करते हैं मतलब राइबोन्यूक्लियस, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लियस किसमें तोड़ देंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर। आगे देखिए हमारे पास अभी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहे हैं, एंटीरोकाइनेज अभी भी बात की थी, इंटेस्टाइन से ही रिलीज होता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और एंटीरोकाइनेज, और यही क्वेश्चन था इस साल आपका नीट का। उसके अलावा डाइपेप्टाइडेज, तो देखिए डाइपेप्टाइड के ऊपर एक्ट करता है, अमाइनो एसिड के अंदर तोड़ दिया। डायसैकेराइडेज कौन कौन से हैं, किस किस के ऊपर सॉरी एक्ट करते हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, तो हाँ यहाँ पे गलती है, माल्टोज ही माल्टोज ही माल्टेज है, माल्टेज माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा, टू ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलेगा। सुक्रोज के ऊपर एक्ट करेगा, सुक्रेज और हमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलेगा। उसके अलावा इंटेस्टाइन लाइपेजेस ये किसके ऊपर एक्ट करेंगे, डाया और मोनोग्लिसराइड के ऊपर, उसको तोड़ देंगे फैटी एसिड में आपका ग्लिसरॉल के अंदर। न्यूक्लियोटाइडेस मतलब न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक्ट करने वाला, न्यूक्लियोसाइड प्लस आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, लास्ट में न्यूक्लियोसाइडेसिस जो आपका किसके अंदर तोड़ेगा उसको, नाइट्रोजनस बेस प्लस आपका पेंटोज शुगर। समझ आया आपको, वही ये सारी की सारी बातें। तो एनसीईआरटी में ये सब कुछ मेंशन था और ये हम आपका पूरा पोर्शन यहाँ पे कर चुके हैं। इसके अलावा बस एक पॉइंट रहता है मुझे आपको बताना, बाकी पूरा पोर्शन हमने आपको कंप्लीट कर दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ेगा, लर्निंग वाला पोर्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये सारा पोर्शन हम आपका डील कर चुके हैं पूरा डिटेल में, इन चारों एंजाइम के बारे में जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से ही रिलीज होते हैं। उसके अलावा देखिए म्यूकस अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेनक्रिया प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज द प्रोवाइड द एल्कलाइन मीडियम 7.8 फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो सिंपल सी बात यही है कि हमारे पास ये जो पेनक्रिया है वहां से म्यूकस भी सीक्रेट होता है, बायकार्बोनेट भी रिलीज होता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर इसका नाम है म्यूकोसा लेयर, वो क्या करता है उसको एसिडिक पीएच से क्या करता है, बचाने का काम करता है। और साथ ही साथ में वहां पे
कितना पीएच प्रोवाइड करता है, 7.8 पीएच प्रोवाइड करता है, ताकि वहां पे क्या हो जाए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो सके। लास्ट टाइम मैंने आपको नहीं बताई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास सब म्यूकोसा लेयर होती है, कौन कौन सी लेयर थी, सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, फिर हमारे पास थी सब म्यूकोसा, और फिर हमारे पास थी म्यूकोसा। अब होता क्या है कि हमारे पास जो सब म्यूकोसा लेयर है, ड्यूडेनम में जाकर ये ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है, और उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर ग्लैंड, इसका ध्यान रखना, ये भी अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। सब म्यूकोसल ग्लैंड नाम क्या है, ब्रूनर ग्लैंड है, ऑल्सो हेल्प इन दिस, मतलब इस सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी में इसका भी रोल देखा गया है, लेकिन कहां प्रेजेंट होती है, ड्यूडेनम में होता है। इसको प्लीज नोट कर लेना अपनी कॉपी में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रूनर ग्लैंड कहां प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोसा लेयर ऑफ द ड्यूडेनम। तो यहाँ पे प्लीज अब एक बार नजर फेरिए कि आपको यहाँ पे कुछ भी नया लग रहा है, सारी चीजें वही पुरानी है। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो सेकंड के लिए यहाँ पे नजर फेरिए, वही सारी चीजें हैं, पेप्टाइड, लिपिड्स, माल्टोज, सुक्रोज, लेप्टोज, कौन कौन से एंजाइम एक्ट कर रहे हैं, पेप्टाइडेज, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लेप्टेज, वही है सारी चीजें, और ये भी हमने कर ही लिया आपका। ब्रूनर ग्लैंड का फंक्शन भी गौरी म्यूकस सीक्रेट करना ही होता है, बाकी इसका स्पेसिफिक फंक्शन अगर कोई है तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ, पर इसका काम भी इसे म्यूकस सीक्रेट करना ही होता है। बाकी एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ अगर इसका कोई और फंक्शन होता हो, तब तक आप इसको रीड कर लीजिए, यहाँ पे आपको आपको कुछ नया तो नहीं लग रहा है। ब्रूनर ग्लैंड आपके सबम्यूकोसा में होते हैं, दे आर सीक्रेट, हाँ सॉरी, इसके अलावा इसका काम होता है कि ब्रूनर ग्लैंड भी क्या करते हैं, एल्केलाइन फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, जिसके पास म्यूसिन होता है जो प्रोडक्ट करता है म्यूकोसा फ्रॉम एसिड्स, ठीक है ओके। जो हमारे पास ये ब्रूनर ग्लैंड है गौरी, ब्रूनर ग्लैंड भी क्या काम करता है, एल्केलाइन फ्लूइड सीक्रेट करता है, आप नोट कर लीजिए इसको भी अपनी कॉपी में, ब्रूनर ग्लैंड क्या करता है, एल्केलाइन फ्लूइड सीक्रेट करता है, और उस फ्लूइड के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है म्यूसिन, और ये म्यूसिन क्या काम करता है, अब देखिए ड्यूडेनम में प्रेजेंट है ना, ये देखिए ड्यूडेनम में फूड स्टमक से आता है, तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा वाली लेयर है ना, सबसे इनर मोस्ट वाली लेयर, ये आपकी डैमेज ना हो जाए, तो इस डैमेज से क्या करता है ये एल्केलाइन फ्लूइड आपका प्रिवेंट करता है, ये लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। सो दे सीक्रेट एल्केलाइन फ्लूइड कंटेनिंग म्यूसिन विच प्रोटेक्ट द म्यूकोसा फ्रॉम एसिडिक स्टमक, क्योंकि देखिए स्टमक से जो फूड आएगा वो तो आपका एसिडिक ही होगा, समझ आ गया। क्लियर हो गया ब्रूनर ग्लैंड का फंक्शन। तो ये देखिए सारा क्वेश्चन हम आपका कर चुके हैं, तो प्लीज हमारे साथ दो दो मिनट लगा के प्लीज ये सारे पॉइंट्स आप रीड कीजिए, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, दोबारा बार बार वही स्लाइड रिपीट है, बस एक्टिव और पैसिव तरीके से। आपने स्टार्च खाया, स्लाइवरी अमाइलेज आपको माउथ में मिला, माल्टोज के अंदर चेंज हो गया, 30% स्टार्च यहाँ पे टूटा, 70% रह गया, 70% किसने तोड़ा, देखिए पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने, जब फूड कहाँ मिला, ड्यूडेनम में, उसके अलावा देखिए फिर माल्टोज को तोड़ा किसने, माल्टेज ने, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, कहां पे, इलियम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, सारी बातें वही है और कुछ भी नया नहीं है। तो डाइजेशन अब कंप्लीट हो चुकी है, कहां पे, इलियम में जाके, अब क्या होगा डाइजेस्टेड फूड का, तो ऑब्वियसली बात है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब कौन करेगा, विलाय कहां पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, तो हमारे पास इलियम ही क्या करता है, विलाय प्रोसेस करता है, जो क्या काम करती है,
फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हो विलाय का स्ट्रक्चर, बहुत सारी विलाय होती है, एक सिंगल को बोलते हैं विलस। तो आप यहाँ पे विलस का स्ट्रक्चर देखिए, इस विलस के पास देखिए हमारे पास ये ब्रश वॉटर सेल है जिसे बोलते हैं माइक्रोविलाय, और देखिए इसके पास क्या ब्लड कैपिलरीज है, आर्टरीज भी होती है, वेन्स भी होती है, बट बीच में हमारे पास एक थिन होता है लिम्फेटिक वेसल्स का जिसका नाम है लैक्टियल, और ये लैक्टियल क्या काम करता है, लैक्टियल जो यहाँ पे फैट स्टोर करने का काम करता है, ध्यान रखना इसके बारे में। जो फैट होता है ना वो कभी भी हमारे पास ब्लड कैपिलरीज के थ्रू अब्सॉर्ब नहीं होता, हमारे पास ये जो लैक्टियल होता है, लैक्टियल ही क्या करता है फैट का ट्रांसपोर्ट करवाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, एंड ग्लूकोज एंड अमाइनो से भी ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी बातें वही है कि हमारे पास विलाय है। अब ये देखिए ये आपका रेड रेड पोर्शन, ये क्या है ब्लड कैपिलरीज जो क्या कर रहे हैं फूड का ट्रांसपोर्ट करवा रही है, और बाद में वो फूड कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लीवर के पास। लैक्टियल किसका अब्सॉर्प्शन करता है फैट का, तो प्लीज आप इसको स्टार फाइव करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि लैक्टियल किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है फैट का अब्सॉर्प्शन करवाता है, जो बाकी ब्लड कैपिलरीज है वो हमारे पास ग्लूकोज का और आपका अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करवाती है। फैट का अब्सॉर्प्शन कौन करता है लैक्टियल करता है, जो किसका पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो ये पूरा पोर्शन हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, ध्यान रखना इसके बारे में। फंक्शन क्या है फिर इसका, फंक्शन यही है वाटर को अब्सॉर्ब करना, कुछ मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना, और कुछ ड्रग्स होती है जिनकी अब्सॉर्प्शन में क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ सिक्रेशन भी करती है म्यूकस का, जो क्या करती है जो हमारा वेस्ट फूड होता है जिसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड पार्टिकल उसको अडहेर, उसको चिपकाने में हेल्प करता है कौन म्यूकस, और ये म्यूकस क्या है कुछ सिक्रेशन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से भी होता है और उसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि उसका इजी तरीके से पैसेज हो जाए, ठीक है। तो हमारा ये पूरा पोर्शन आपका डन हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ कुछ बातें लिखी गई हैं, उनको जस्ट ओनली जल्दी से रीड कर लेते हैं, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। आप सबने ये चीज फील की होगी, मान लेते हैं कि हम डिजायर कर रहे हैं कि हमें अपना फीकल मैटर बाहर निकालना है, उसको मतलब हमें वॉशरूम जाना है, लेकिन क्या होता है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मान लेते हैं कि हमें कि आसपास वहां पे वॉशरूम अवेलेबल नहीं है एंड कोई कहे कि आपको कंट्रोल करना है, तो हमारी एबिलिटी होती है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो फीकल मैटर को जो हम बाहर निकालते हैं उसको वो किसके कंट्रोल में होता है, वो होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें वही लिखी उसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, ऐसा फूड जो हमने खाया तो सही लेकिन अब वो आपका एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, और फूड कौन सा फूड एब्जॉर्ब नहीं होता है, फूड वो एब्जॉर्ब नहीं होता जिसके लिए हमारे पास हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होते, ठीक है। तो बहुत सारा फूड के अंदर जो मोस्टली जो प्लांट मटेरियल खाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनडाइजेस्टेबल होती है, तो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस उसको बोलते हैं फेसेस। अब वो कहाँ एंटर कर जाता है, वो एंटर कर जाता है हमारे पास सीकम के अंदर। सीकम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, किसके थ्रू जाता है इलियोसीकल वेल्व के थ्रू। तो अब यहाँ पे देखिए इलियम और सीकम के बीच में भी एक वेल्व है जिसका नाम है इलियोसीकल वेल्व, जो प्रिवेंट करती है बैकफ्लो ऑफ द फीकल मैटर, ताकि फीकल मैटर अब लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल में वापस ना आ जाए। उसके बाद ये टेम्परली स्टोर कहाँ पे होता है, रेक्टम के अंदर होता है जब तक हम उसको बाहर ना निकाल दे, और इस बाहर निकालने वाले प्रोसेस को बोलते हैं डिफेकेशन, क्या बोलते हैं डिफिकेशन। सो एक्टिविटी जो होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, मतलब स्टमक की और इंटेस्टाइन की, वो किसके कंट्रोल में होती है, न्यूरल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, मतलब ब्रेन के कंट्रोल में होता है, साथ ही साथ में हॉर्मोन के कंट्रोल में भी होता है फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। अब देखिए हॉर्मोन कंट्रोल के बेसिस पे कैसे हो रहा है, आपने ये भी बहुत बार फील किया होगा कि आज दो केस लेते हैं कि बहुत ही ज्यादा खुश है, तो खुश खुश में क्या होगा, भूख बहुत ज्यादा लगती है, खाने पीने का अच्छा सा मन करता है, लेकिन मान लेते कोई ऐसी चीज होगी हमारी लाइफ में जो हमारे लिए मतलब वो नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, वो हो गया हमारे साथ, तो हम क्या कहते हैं कि भूख प्यास सब कुछ मिट चुका है,
कई लोगों का आपने सुना होगा कि हफ्ता हो गया है, 3-4 दिन हो गया मैंने खाना नहीं खाया है। अब देखिए अगर हम नॉर्मल अपनी बात करते तो हमारे केस में क्या होता है, हम खाना खाते 3-4 घंटे बाद हमें भूख लग जाती है, लेकिन सोचो 3-4 दिन तक भूख ना लगना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो वहां पे ड्रामा कर रहे हैं कि नहीं नहीं भूख तो लग रही है लेकिन खाना नहीं है, हम कह रहे भूख ही नहीं लग रही है। मतलब उनका हमारा जो स्टमक जो आवाज करता है ना, जब वो स्टमक एम्प्टी हो जाता है तो एसिड वहां पे रिलीज होना शुरू हो जाता है, उसका वो आवाज करता है कि अब हमें फूड चाहिए फूड चाहिए। हो लेकिन सोचो वहां पे आवाज भी नहीं हो रही है, कुछ अगर बोलते कि कुछ खा लो थोड़ा सा तो वो भी कहते हैं कि वॉमिटिंग आ रही है बाहर आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो हमारा ही हॉर्मोन क्या हो गया, हमारा ब्रेन हमारे हॉर्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि हमारा वो पेट गुड़गुड़ की आवाज कब करेगा, जब वहां पे एससीएल रिलीज होगा। लेकिन मान लो अगर एससीएल रिलीज ही ना हो, तो अगर एससीएल रिलीज ही नहीं होगा तो हमें भूख ही नहीं लगी। तो जो बहुत सारे केस आते हैं, किसी का कुछ भी होगा, किसी की डेथ हो गई, कोई बहुत ज्यादा क्लोज में था वो चला गया, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कोई एक पर्सन जो होता है खाना ही नहीं खाता। हम कहते हैं कि पतले हो गए हैं, बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं क्योंकि फूड ही नहीं खा रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एससीएल रिलीज ही नहीं होता है। अगर वहां पे एससीएल रिलीज होगा तो वहां पे वो पक्का एक्ट करेगा उसके ऊपर, और एक्ट करने के बाद फूड को खाने की कोशिश करेगा, तो स्टमक तो उसके बाद फिर आवाज करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे इस चीज का प्लीज ध्यान रखना कि क्योंकि देखो नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल में हो गया ना, हमने सोचा इतना दुख हमने क्रिएट किया, सारी की सारी एनर्जी जो है हमारी कहीं और जगह चली गई, हमने उस खाने के बारे में सोचा ही नहीं। अदरवाइज हम सोचते ही हैं। अब सोचो जैसे हमें पता है कि हम सुबह खाना खाते हैं, दिन में खाते हैं, शाम को खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही दिन होने लगता है, जब भूख लगी भी ना हो, लेकिन हमारा ब्रेन मैसेज करना शुरू कर देता है कि टाइम हो गया टाइम हो गया। तो करते करते फिर क्या होता है, हमें हमें भूख लगना भी शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हम मैसेज कर रहा है। तो ध्यान रखना इसके बारे में कि जो हमारा ये गेस्ट्रो गेस्ट्रो मतलब एससीएल रिलीज हो रहा है, एंजाइम रिलीज हो रही है, सारी की सारी एक्टिविटी हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और ये सारी चीजें आपको पता समझ में आएगी जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर करोगे, वहां पे आप इस तरीके की कुछ एंजाइम पढ़ोगे जो हमारे मतलब यहाँ पे ही जो एससीएल रिलीज हो रहा है, बाकी जितने भी एंजाइम रिलीज हो रहे हैं कि इनको यहाँ पे कौन सिक्रेट करवा रहा है। तो यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल भी होता है और साथ ही साथ में हार्मोन का कंट्रोल भी होता है ताकि वो डिफरेंट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर सके डिफरेंट पार्ट्स की। एक चीज आपको और बतानी है, जब बहुत ज्यादा टेंशन होता है ना बहुत ज्यादा, तो हमारी सारी एनर्जी जो है ना वो आपकी डाइजेशन से हट जाती है, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है, बहुत ही वीक। इसीलिए यही रीजन होता है कि या तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं या फिर हमें लूज मोशन लग जाते हैं, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही नहीं कर पाता प्रॉपर ढंग से। कब, जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं या फिर क्या होते हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मेन वही होता है टेंशन वाला रीजन कि हमारा ब्रेन जो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसके अलावा क्या है, ये देखिए साइट, आपने किसी को देखा और देखने के बाद देखिए आपके मुंह में पानी आ गया, तो ये देखो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। कोई चीज आपने पहले खाई है उसको देखने के बाद अब आपका मन कर रहा है खाने का, तो वो हमारा किसमें, कि हमारे क्या होता है, हम कहते हैं स्लाइवा, एकदम कहते हैं मुंह में पानी आ गया, तो इतना सा स्लाइवा कहाँ से प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा ये जो साइट है, स्मेल जो है, और प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी स्टिम्युलेट करता है सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा। तो स्लाइवा का सिक्रीशन करता है, बट कैसे कर रहा है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारा गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, उनकी पूरी की पूरी एक्टिविटी को। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास ये जो क्या है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है और ऑल्सो सिमिलर स्टिम्युलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल। तो ये भी वही बात होगी, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, सारी की सारी कौन स्टिम्युलेट करता है, हमारा नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल में करता है। अब कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करता है उसके लिए वो मैंने आपको बता दिया कि वो बाद में करूंगी लास्ट चैप्टर में, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले। उसके बाद आता है मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीवर के नाल। तो हमने क्या देखा, एसोफेगस से लेके रेक्टम तक हर जगह मस्कुलर एक्टिविटी होती है, पेरिस्टेसिस मूवमेंट हो रही है, उसको भी कौन मॉडरेट करता है, न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू द सीएनएस, मतलब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन है और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों ही कंट्रोल करते हैं उसको। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूसेस बाय द गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अभी लोकल हार्मोन क्या है ना, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया ये दे देती हूँ कि लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक स्टमक बनाऊ, ये स्टमक है,
अब मान लेते हैं इस स्टमक ने कुछ सिक्रेट किया अपनी बॉडी से, अपनी वॉल से, और इसकी सिक्रेशन ही डिसाइड कर रही है बाकी जितने भी एंजाइम है कि उनका सिक्रेशन करना है कि नहीं करना है। मतलब इसी ने सिक्रेट किया और इसी के ऊपर ही एक्ट कर रहा है। मतलब स्टमक की वॉल ने ही कुछ एक हार्मोन प्रोड्यूस किया और वो हार्मोन इसके ऊपर खुद ही एक्ट कर रहा है, वही मैसेज कर रहा है कि आपको ये सिक्रेट करना है कि नहीं करना है। तो बहुत सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, लोकल होते हैं। अब आपको लोकल या आपको दूर कैसे समझ में आएगा, जैसे देखो अब आपको पता होगा कि चलो ये देख लेते हैं, जैसे फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है ये काफी अच्छा एग्जांपल है, या मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं। अब आपको पता है फीमेल के अंदर जो ओवरी है, ओवरी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, लेकिन इस इस्ट्रोजन का सेक्रेशन पता कौन करवाता है, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से मैसेज आता है, ब्रेन से हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे पास गोनेडोट्रोफिन, एक होता है LH और दूसरा होता है FSH। जब ब्रेन से LH और FSH रिलीज होता है ना, फिर कहीं जाके ओवरी से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी बड़ी रेंज है, मतलब रिलीज हुआ ब्रेन में, देखो एक्ट कर रहा है ओवरी में जाके, लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ कुछ हॉर्मोन्स आपके लोकल होते हैं, जैसे मैंने कहा कि स्टमक से रिलीज हुए और स्टमक के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो रेंज इनकी बहुत ज्यादा छोटी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर भी वही बात लिखेगी जो हमारे पास ये मस्कुलर एक्टिविटी जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इसको कौन मॉडरेट करता है, न्यूरल मैकेनिज्म, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम भी कर रहा है थ्रू हॉर्मोन्स, और इसके अलावा लोकल तरीके से भी होता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू भी होता है। तो हॉर्मोनल जो कंट्रोल जो है किसको कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशन को, उसको कौन कैरेट आउट करता है, लोकल हॉर्मोन प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, मतलब इंटेस्टाइन से खुद ही सिक्रेट हुआ और उसी के ऊपर वो एक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको, ऐसे नॉर्मली जो हॉर्मोन्स होते हैं आपकी काफी लंबी रेंज तक एक्ट करते हैं, क्योंकि सारे के साथ सबको मैसेज तो ब्रेन से जाता है, लेकिन देखो ब्रेन से मैसेज गया और आपका प्रोड्यूस हो रहा है किडनी में, लिवर में, या फिर हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड में, तो कितनी लंबी रेंज है। लेकिन कुछ कुछ हॉर्मोन्स की रेंज कैसी होती है, लोकल होती है, जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पे ही काम कर रहा है। तो अब ये बातें भी हम कर चुके हैं आपकी कि जो हमारा मटेरियल जो आपका कहां पर था, लार्ज इंटेस्टाइन में है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, वॉटर है, म्यूकस है, डेड सेल है, अनडाइजेस्टेड मैटर है। सो मोस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड मैटर इज सेल्यूलोस। अब बताइए इसका आंसर बताइए, ऐसा क्यों है, जितना भी मटेरियल आपका, अब देखो पानी भी जरूरी है ना लार्ज इंटेस्टाइन में, अदरवाइज तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हम अच्छे तरीके से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल नहीं पाएंगे, म्यूकस भी होता है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड मैटर है वो मोस्टली सेल्यूलोस होता है, तो इसका आंसर बताइए ऐसा क्यों है, सोचिए थोड़ा। मोस्टली अनडाइजेस्टेड मैटर सेल्यूलोस क्यों है, अमनजो, दिव्यम, कमल, प्लीज संदेश बताइए, क्योंकि अब तो आपने सेल वाला चैप्टर कर ही लिया है तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो होना चाहिए इसके बारे में कि जो खाना हम बाहर निकालते हैं ना अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसमें मोस्टली सेल्यूलोस क्यों होता है। कमल प्लीज प्लीज आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड मैटर इस सेल्यूलोस, जो खाना हमने डाइजेस्ट नहीं किया है, अनडाइजेस्टेड मैटर समझते हो ना क्या होता है। हाँ जी अमन जो, तो आपने ठीक कहा, डू नॉट एप्रोप्रिएट एंजाइम का मीनिंग, कौन सा एंजाइम, एंजाइम भी हमने किया है तो आपको पता होना चाहिए, बताइए कौन सा एंजाइम होता है। अगर हमें कमल प्लीज प्लीज इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ, उसमें मोस्टली सेल्यूलोज है, वो कह रहा है ऐसा क्यों है। सिंपल सी बात ये है कि सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए
हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एंजाइम, और एंजाइम का नाम है सेल्यूलेस। तो हमारी बॉडी में सेल्यूलेस होता ही नहीं है, 1% भी नहीं होता। तो अगर सेल्यूलेस है ही नहीं तो हम कैसे फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैटल की, मतलब काउ हो गया, बफलो हो गया, गोट होगी, शीप होगी, ये सारे के सारे को, ये तो सारे घास ही खाते हैं, लेकिन सोचो ये सेल्यूलोस को डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है जो कैटल्स होती है उनके पास भी सेल्यूलेस एंजाइम नहीं होता है, लेकिन जो उनकी गट होती है ना, गट मतलब जो उनकी एलिमेंट्री किनाल होती है, उनके एलिमेंट्री किनाल में एक बैक्टीरिया होता है, आप प्लीज इसके बारे में पढ़ना जरूर। उस बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोबैक्टीरिया, जिसे हम मिथेनोजेंस भी कहते हैं। तो मिथेनोजेंस जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये सेल्यूलेस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और तब कहीं जाके कैटल, जितनी भी गाय हैं, भैंसे हैं, ये क्या काम कर पाते हैं, सेल्यूलोस को डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। इसीलिए आपने सुना होगा ना, जो काउ डंग होता है, बफलो डंग होता है, उससे हम क्या निकालते हैं, मिथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि गोबर से हमें, हमने गैस निकाल ली, मिथेन निकाल दिया। क्यों निकाला, क्योंकि उनके गोबर में कौन होता है, मिथेनोजेंस, ये बैक्टीरिया होते हैं, और ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम कर सकते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। और कहां पे रहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। तो अपनी बॉडी से क्या करते हैं, सेल्यूलेस एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसकी हेल्प से कैटल क्या कर सकती है, उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकती है, जो हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एडिशनल पॉइंट है, ऐसे आप पढ़ोगे भी आगे जाके, पर आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, नो एंजाइम्स इन ह्यूमन टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो एंजाइम कौन सा होता है, सेल्यूलेज होता है। तो यहाँ पे ये भी आप देख लीजिए हमारे पास की, अब हमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, इसी से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू मिलती है, रेस्पिरेशन के थ्रू। ये आपका अलग से चैप्टर होगा, लेकिन मेन बात ये कि हमारी बॉडी ने ग्लूकोज को अब्सॉर्ब कर लिया, और उस ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो भी हमने ग्लूकोज खाया, सारा ग्लूकोज तो देखो हम यहाँ पे यूज स्टोर कर नहीं पा रहे, सारा ग्लूकोज तो हम स्टोर कर नहीं सकते ना यहाँ पे। तो क्या होता है कि एक्सेस ग्लूकोज क्या होता है, जो हमारा लीवर होता है ना, लीवर में जाके स्टोर हो जाता है, और किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिए, अब ग्लूकोज खा रहे खा रहे खा रहे, मान लेते ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज 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 क्या हो जाते हैं, सारे कंबाइन हो जाते हैं, और क्या बना देते हैं, पॉलीसेकेराइड, और इस पॉलीसेकेराइड का नाम है ग्लाइकोजन। आप सोचो सेम ग्लूकोज प्लांट के अंदर भी है, बट प्लांट क्या करता है, प्लांट इस सारे ग्लूकोज से बनाता है स्टार्च, इसलिए तो हम स्टार्च खाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर नहीं होता, हमारी बॉडी में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और कहां पे होता है, लीवर के अंदर होता है। ध्यान रखना, इसकी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है ना, मान लो कि आप कि हम कि जब हम फास्ट रखते हैं, तो फास्ट रखने पे जो फूड हमें मिलता है ना, वो हमारा लीवर से लेते हैं हम, इसलिए हम कहते हैं लीवर हमारा काफी अच्छा होना चाहिए, और किस से लेते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म। उसके अलावा ये देखिए फैट्स का भी, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन फैट हमारा फैट की फॉर्म में ही स्टोर होता है। और जो अमाइनो एसिड होते हैं, ध्यान रखना अमाइनो एसिड कभी भी स्टोर नहीं होते हैं हमारी बॉडी में, कैन नॉट बी स्टोर, वो क्या हो जाते हैं, डी अमाइनेटेड एंड यूज इन द रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन में उनका यूज होता है। डी अमाइनेटेड का मतलब क्या है, ये भी आपको आगे जाकर समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, और एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी एंजाइम्स दुनिया में है, सारे एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कहां से बन रही है, अमाइनो एसिड से तो बन रही है, तो एंजाइम्स को बनाने वाले कौन है, हमारे पास अमाइनो एसिड ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप प्लीज इनको भी नोट कर लीजिए। एक मिनट, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या कहा कि अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में कभी भी स्टोर नहीं होता है, या तो वो क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है, या फिर क्या बना देता है,
या फिर बना देता है एंजाइम्स। इसके अलावा हमने कहा था उसका क्या हो जाता है, डीअमाइनेशन हो जाता है। डीअमाइनेशन कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर होता है। अब डीअमाइनेशन का मतलब क्या है, अब यहाँ पे अगर मैं अमाइनो एसिड का डायग्राम बनाऊ ना, तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना देती हूँ। अमाइनो एसिड में हमारे पास एक सेंटर में कार्बन होता है, कार्बन के साथ साथ इसपे एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो होता है COH, और एक साइड पे यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं अमाइनो ग्रुप। एक हमारे पास H होता है, एक साइड में यहाँ पे R ग्रुप होता है। अभी प्लीज आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी तो आपने केमिस्ट्री भी नहीं किया ना, तो प्लीज आप डरना मत इसके बारे में। बस थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब अमाइनो एसिड आपका बनता है ना, तो इसका जो अमाइनो ग्रुप होता है ना, ये वाला नाइट्रोजन, ये हमारा जो लीवर में है ये आपका यूरिया की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और इसको हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। जो हम यूरिन पास करते हैं ना, इसीलिए यूरिन को यूरिन क्यों बोला, क्योंकि यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है, और ये यूरिया किससे मिलता है, अमोनिया से। अमोनिया कहाँ से आया, इस अमाइनो एसिड से आया। तो हमारे पास ये जो नाइट्रोजन की फॉर्म है अमोनिया, जो ये अमाइनो ग्रुप है, ये आपका यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। बाकी जितना भी पोर्शन है वो सारा हम कहाँ पे यूज कर लेते हैं, एनर्जी के लिए यूज कर लेते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज हम दोबारा करेंगे इन सारी चीजों को, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद वही कि हमारा जो फूड है उसका क्या हो चुका है, एब्जॉर्प्शन हो गया है। इसके बाद आपका कुछ टाइम हो गया, एक्चुअली मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो अब हम आपका ना नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ऐसे तो हमारा आपका चैप्टर हो ही गया है, बस ओनली डिसऑर्डर्स ही रह गए थे आपके, कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे जॉन्डिस हो गया, पीलिया, वॉमिटिंग हो गई, फिर हमारे पास डायरिया हो गया, देन आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया, इनडाइजेशन हो गया, और इसके अलावा कुछ हमारे पास फिर कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, आपने सुना होगा मेरेस्मस हो जाता है, क्वाशियोपोर हो जाता है, आपने इनके बारे में सुना होगा, बस इतना सा ये वाला क्वेश्चन रहता है। तो फिर ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी हो नहीं पाएगा, मुझे लग रहा था कि शायद हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपको यहाँ तक का समझ में आ गया है, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। अमनजोत, दिव्यम, कमलप्रीत, संदेश, तो प्लीज आप पढ़ना इसको अच्छे से। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इस चैप्टर में सीरियसली बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत कुछ लर्न करने को है, और अभी आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर किया नहीं, इसलिए थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स वाली, कौन किस किस से मिलकर बना है, आपको उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, लेकिन बिलीव में आपको समझ में आ जाएगा जब आप बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर करोगे। ठीक है, तो आपको ये मत सोचना कि ये पता नहीं कौन सी बातें यहाँ पे हो रही है अभी। चलो ठीक है, फिर बाकी पोर्शन फिर हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, चलो फिर, बाय बाय।